हेलो बच्चों, एग्जाम बगल में है। इस टाइम टेंशन नहीं लेना है, सीरियस होके पढ़ाई करनी है। टेंशन नहीं लेना है पर सीरियस होके पढ़ाई करनी है, मतलब बार बार सोचना नहीं है, काम करना है, सीरियस रहना है। छोटे छोटे पर्चे बना लें, उन पर्चों में रोज सुबह उठकर लिख लें कि ये कंप्लीट करना है, और दिन भर उनको टिक करते चले कि ये कंप्लीट हो गया। बहुत ज्यादा बातें नहीं करें, एग्जीक्यूट करें। चलिए आज शॉर्ट में बात करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन और जो कंफ्यूजन आपको है मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर। तो बच्चों, मोमेंट ऑफ फोर्स इसका एक और नाम है टॉर्क। फॉर्मूला इसका होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यार फॉर्मूला तो सिंपल है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यूनिट देखो तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर मिलके बन गई जूल। जूल वर्क की भी यूनिट है, एनर्जी की भी यूनिट है, और मोमेंट ऑफ फोर्स की भी। मोमेंट ऑफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके डायरेक्शन होते हैं। कैसे कैसे डायरेक्शन होते हैं, मान लो ये एक स्केल है और यहां पे बैलेंस किया है स्केल को, स्केल को बैलेंस करके ऐसे संभाल के रखा है एक स्केल को। मान लो इस बैलेंस से 20 सेंटीमीटर दूर मैं एक वेट लटका दूं, नीचे की तरफ एक वेट लटका दिया, मान लो 20 ग्राम फोर्स का वेट ऐसे नीचे लटका दिया। अब ये वेट रूलर को इस तरफ घुमाएगा, ऐसे रूलर रखी है तो इस तरफ गिरेगी नीचे की तरफ, ऐसे, मतलब ये वेट बैलेंस के अबाउट ऐसे घुमाएगा। इस बैलेंस को किताब में फलक्रम लिखा होता है एफ, तो ध्यान से देखो फलक्रम के अबाउट ऐसे घुमा रहा है यानी क्लॉकवाइज। तो जब भी कोई वेट क्लॉकवाइज घुमाए तो मोमेंट ऑफ फोर्स का आंसर नेगेटिव होगा। फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी है 20 ग्राम फोर्स, और डिस्टेंस फलक्रम से ले लो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, कितना आ गया 400 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और कैसा आंसर होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे मैं एक वेट लगा दूं, सपोज करो 50 ग्राम फोर्स का, और ये डिस्टेंस कुछ भी मान लो यार, कुछ भी मान लो, मान लो ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। अब 50 ग्राम फोर्स देखो रूलर को इस तरफ गिरा रहा है ऐसे, मतलब रूलर गिरेगी और घूमना अगर चाहेगी तो ऐसे घूमेगी इस तरफ। ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की बात हो तो आंसर लाएंगे पॉजिटिव में। कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो पॉजिटिव। ये देखिए ऐसे गिराएगा एंटी क्लॉकवाइज, और फॉर्मूला क्या लिख रखा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी है 50 ग्राम फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 सेंटीमीटर। आंसर हो गया 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और कैसा, पॉजिटिव। तो ये तो बेसिक बात हो गई कैसे निकालना है, फलक्रम से डिस्टेंस ले लो और फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो। अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं फलक्रम के अबाउट तो नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर, इतनी सी बात। अच्छा आगे देखते हैं, तो बहुत छोटी बात थी ना, आगे देखते हैं। एक प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, और ये गलत समझ के रखा है आपने, पहले ही बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि रूलर बैलेंस्ड है। क्या बोल रहे हैं सर, सही बात बोल रहे हैं, किताब ध्यान से पढ़िए। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि रूलर बैलेंस्ड है, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो ये वही फलक्रम है और ये वही स्केल है। स्केल मान लो 1 मीटर लंबी है यानी 100 सेंटीमीटर लंबी है, और फलक्रम मैंने रखा है 50 सेंटीमीटर पे, इस मार्क पे जनरली यहीं पे रखते हैं ना किताब में। मान लो एक वेट यहां पे रख दिया मैंने 10 ग्राम फोर्स का, एक वेट यहां पे रख दिया 20 ग्राम फोर्स का, और एक वेट यहां पे रख दिया 10 ग्राम फोर्स का। ठीक है, ये मान लो रखा है यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, और ये वाला मान लो रखा है 30 सेंटीमीटर दूर,
और ये वाला मान लो रखा है 20 सेंटीमीटर दूर। अब क्वेश्चन से आया कि नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको टॉर्क भी बोलते हैं, है ना, नेट टॉर्क कितना है पूछ लिया, क्या करोगे, जितना क्लॉकवाइज उतना एंटी क्लॉकवाइज, ना ये कोई नियम है ही नहीं। किसी ने बोला क्या कि रूलर बैलेंस्ड है, किसी ने आपसे नहीं बोला रूलर बैलेंस्ड है, तो रट के नहीं कि इधर का मोमेंट बराबर, हमेशा बराबर नहीं होता यार। अभी तो उन्होंने बोला है नेट मोमेंट ऑफ फोर्स बताइए। एक काम करो, सारे क्लॉकवाइज गिनो, सारे एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये दोनों के दोनों किधर घुमा रहे हैं, शिप शिप क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को गिनते हैं, क्लॉकवाइज गिनते हैं। एक तो 10 हो जाएगा, कितनी दूर है 10, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, भाई फॉर्मूला क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक 20 है और 20 कितना दूर है 30, तो एक हो गया 20 इंटू 30, दोनों ही क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज कैसा होता है नेगेटिव, तो ये भी माइनस ये भी माइनस। फिर एक ये वाला है, ये देखो ऐसे गिरा रहा है रूलर को, अगर हम रूलर छोड़े और इधर वेट रख दें तो ये ऐसे यानी इस डायरेक्शन में घुमा रहा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अगेंस्ट, तो एंटी क्लॉकवाइज भी देखते हैं जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। कितना वेट है 10, कितनी दूर है 20, तो 10 इंटू 20 और ये कैसा हो गया प्लस। अब भाई जोड़ घटाना कर लो और नेट आंसर आ जाएगा, ये कितना हो गया माइनस 100, ये कितना हो गया माइनस 600, तो यानी माइनस 700 और ये कितना हो गया प्लस 200, तो आंसर क्या होगा माइनस 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। जितने माइनस वाले थे यानी जितने क्लॉकवाइज वाले थे उनको नेगेटिव कर लिया, जितने एंटी क्लॉकवाइज थे एक ही था उसको पॉजिटिव, और जोड़ घटा कर लिया, फाइनल आंसर माइनस 500। माइनस मतलब फाइनल आंसर कैसा है क्लॉकवाइज। जैसे एग्जाम में पूछा कि ये रूलर किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट मोमेंट देखो कैसा आया, नेगेटिव, मतलब ये कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, ये वाले मोमेंट ज्यादा हैं तो ये ऐसे घूम जाएगी, अभी ये बैलेंस नहीं है भाई, ये सब वेट ज्यादा हैं, इनका मोमेंट ज्यादा है तो रूलर को ऐसे घुमा देंगे, ये इसको बचा नहीं पाएगा और नेट आंसर ये हो जाएगा। ये जो आपने काम किया ना, ये जो आपने काम किया, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ये है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या कि नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अगर निकालना हो तो जितने क्लॉकवाइज है उनको नेगेटिव, जितने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और जोड़ घटा के जो आंसर आए वो दे दो। अब आप कहोगे सर किताब में तो सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज देता है, तो आपने ये कैसे बताया, देखो किताब में एक पॉइंट लिखा है ध्यान से पढ़ो, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एट इक्विलिब्रियम, ऐसे लिख देते हैं साफ साफ, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब आपकी फिजिक्स में हमेशा ये रहेगा कि नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम में टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आएगा जीरो। अच्छा कैसे जीरो होगा, जो नेगेटिव वाले हैं जो पॉजिटिव वाले हैं वो बराबर हो जाएं, मतलब जितना भी सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स किसके इक्वल हो जाए, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। हां तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, पर कब, जब इक्विलिब्रियम पे हो। इक्विलिब्रियम पे ना रूलर हमारी हॉरिजॉन्टल रहती है, हॉरिजॉन्टल बोले तो, अरे बोले तो बैलेंस, गिरेगी नहीं किसी तरफ, क्यों नहीं गिरेगी, क्योंकि दोनों ही मोमेंट बराबर है, जितना क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। सवाल लेके देखें इसको भी, जैसे मान लीजिए ये एक रूलर है और यहां पे बैलेंस्ड है, वही 50 सेंटीमीटर पे फलक्रम रखा है, यहां हमने एक वेट लगा दिया सपोज कर लो 10 ग्राम फोर्स का, है ना, यहां से मान लो 20 सेंटीमीटर दूर, और हमसे पूछा कि यहां पे एक W वेट लगा है, कितनी दूर लगा है 30 सेंटीमीटर दूर लगा है, तो पूछा W की वैल्यू कितनी हो कि ये रूलर
बैलेंस हो, हॉरिजॉन्टल हो या इक्विलिब्रियम हो। एक 10 ग्राम फोर्स इधर लगाया और इधर 30 सेंटीमीटर दूर एक W लगा लिया। पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W, सो दैट द रूलर रिमेंस हॉरिजॉन्टल और बैलेंस। अब जब बोल देगा कि रूलर को हॉरिजॉन्टल या बैलेंस रहना है, देन यू कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एट इक्विलिब्रियम। अब आप बोलोगे जितना क्लॉकवाइज उतना एंटी क्लॉकवाइज। ये W देखो ऐसे गिरा रहा है, ये W किसके अबाउट, फुलक्रम के अबाउट, ऐसे टिक 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 क्लॉकवाइज, और 10 ऐसे दिखा रहा है ऐसे टिक 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 एंटी क्लॉकवाइज। तो जितना क्लॉकवाइज उतना एंटी क्लॉकवाइज, यानी W मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 20, और W की वैल्यू आ जाएगी 200 बटे 30, कितना हो गया 6.66 ग्राम फोर्स। ठीक है। अच्छा कुछ क्वेश्चन आते हैं वो मास ऑफ रूलर वाले, वो कैसे सॉल्व करने हैं, हाउ टू फाइंड मास ऑफ रूलर वगैरह, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा मास ऑफ रूलर, रूलर के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है, यानी रूलर का जो खुद का वेट है वो कहां पे होता है, सेंटर ऑफ मास पे। जैसे मैं अब सवाल ले रहा हूं, ध्यान दो, इस रूलर को मैंने यहां बैलेंस किया, कहां बैलेंस किया 30 सेंटीमीटर मार्क पे, और रूलर है 1 मीटर लंबी, यानी वही यूनिफॉर्म मीटर रूल, मतलब कितनी लंबी है 100 सेंटीमीटर लंबी है। कहां बैलेंस किया है 30 सेंटीमीटर पे। हमसे बोला कि एक वेट है 20 ग्राम फोर्स का, और उसको हमने लटकाया फ्रॉम वन एंड ऑन शॉर्टर आर्म एंड रूलर इज बैलेंस्ड। फाइंड मास ऑफ रूलर। ठीक, तो एक 20 ग्राम फोर्स को हमने एक एंड से लटकाया है शॉर्टर आर्म पे, तो डेफिनेटली ये शॉर्टर आर्म है भाई, 100 सेंटीमीटर है तो यहां पे 70 बचा, यहां पे 30 बचा, तो एक एंड से लटकाना है शॉर्टर आर्म वाले, मतलब इस आर्म से। कितना वेट है 20, तो यहां लटका दिया 20 ग्राम फोर्स, कहां पे लटकाया 0 सेंटीमीटर पे एंड पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड मास ऑफ रूलर, और बोल रहा है रूलर इस टाइम बैलेंस्ड है। रूलर का मास कहां पे एक्ट करता है, सेंटर पे, यानी कहां पे 50 सेंटीमीटर पे। देखो फलक्रम हमेशा 50 पे हो ये बात जरूरी नहीं है, समझ लो, पर जो रूलर का खुद का मास है, जो खुद का इसका मास है या खुद का जो वेट है, वो हमेशा कहां एक्ट करेगा 50 सेंटीमीटर पे, ये जरूरी। किसी भी बॉडी का मास कहां पे ऐड करता है, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो 50 सेंटीमीटर पे इसका वेट लटका दिया, यानी फलक्रम से कितना दूर है 20 सेंटीमीटर। ये रूलर अपने वेट की वजह से, देखो रूलर को अगर यहां बैलेंस करें साइड में इस तरह, तो अपने वेट की वजह से इस तरफ गिरेगी, तो वही हम दिखा रहे। अब देखो वेट की वजह से यह घूमेगा ऐसे क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से घूमेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। बोल के रखा है रूलर बैलेंस है, मतलब जितना क्लॉकवाइज उतना एंटी क्लॉकवाइज, यानी W इंटू 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 30, 20 इंटू 30 इज इक्वल टू W इंटू 20, क्योंकि बैलेंस है, 20 ने 20 को मारा, W की वैल्यू 30 ग्राम फोर्स, यानी मास कितना हो गया इसमें से 30 ग्राम, तो रूलर का मास निकल के आ गया 30 ग्राम। ऐसे करने हैं मास ऑफ रूलर वाले सवाल। एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है और फलक्रम इस जगह पे रखा है। ठीक है, कई बार फलक्रम की जगह बोलता है नाइफ एज रख दिया, तो वो भी फलक्रम ही बनेगा, उसके अबाउट बैलेंस्ड है, और फलक्रम को हमने रखा है एट 20 सेंटीमीटर मार्क, रूलर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस एंड से एक वेट लटका दिया, मान लो 20 ग्राम फोर्स का,
जीरो सेंटीमीटर पे, और यहां से एक वेट लटका दिया मान लो 10 ग्राम फोर्स का, ए यहां से कितनी दूर मान लो ये पॉइंट है 90 सेंटीमीटर मार्क, मतलब कितनी दूर हो गए 70 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे बोला मास ऑफ रूलर इज सपोज कर लो 20 ग्राम, फाइंड नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। मास ऑफ रूलर कहां पे एक्ट करेगा, मिड में यानी 50 सेंटीमीटर पे। फलक्रम कहीं भी हो सकता है पर मास ऑफ रूलर हमेशा मिड में। ये लग गया कितना है 20 ग्राम और वेट लगा देंगे तो 20 ग्राम फोर्स, यानी यहां से कितना दूर हो गया 30 सेंटीमीटर। अब जितना क्लॉकवाइज उतना एंटी क्लॉकवाइज, यही तो मिस्टेक नहीं करनी। कहीं लिखा है कि रूलर बैलेंस्ड है, रूलर हॉरिजॉन्टल है, इक्विलिब्रियम है, कहीं ऐसा नहीं लिखा। मतलब इस टाइम सिर्फ क्या निकालना है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। ये बिल्कुल नहीं कहा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बराबर है, ये बिल्कुल नहीं कहा कि रूलर स्टिल खड़ी रहेगी, रूलर गिर सकती है। तो वही अप्रोच लगाएंगे, पहले सारे एंटी क्लॉकवाइज या पहले सारे क्लॉकवाइज कैलकुलेट कर लो। देखो ये वाला इधर गिरा रहा, ये वाला भी इधर गिरा रहा, ये दोनों कैसे हो गए क्लॉकवाइज। तो 10 वाला कितना दूर है 70, 10 इंटू 70, 20 कितना दूर है 30, तो 20 इंटू 30, और क्लॉकवाइज कैसे होते हैं नेगेटिव, तो ये हो गया 700, ये हो गया 600, यानी माइनस 1300, 700-600। फिर आ जाओ एंटी क्लॉकवाइज पे, ये बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, देख एंटी क्लॉकवाइज 20 ग्राम फोर्स और फलक्रम से कितना दूर है 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हो गया 400, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होते हैं प्लस, तो लगा दिया प्लस, टोटल कर लो माइनस 1300 प्लस 400 आंसर माइनस 900 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और माइनस आया मतलब कैसा क्लॉकवाइज। जैसे कोई पूछे ये रूलर इस तरफ गिरेगा कि इस तरफ, क्लॉकवाइज गिरेगा मतलब इस तरफ राइट साइड में गिरने लगेगा। तो ये तरीका है मोमेंट ऑफ फोर्स के सवाल सॉल्व करने का। तो अभी तक जो आप सोच रहे थे कि हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। एक ट्रिकी सवाल आखिरी और ले लेते हैं, ठीक है, सैंपल वेव में पहले पढ़ा था, अभी तो हट गया है, ठीक है, ये दिल है, ठीक है नहीं नहीं अभी दिल विल के चक्कर में मत पढ़ो बच्चों, पेपर बगल में है, लुट जाओगे नहीं सर अच्छा क्वेश्चन यहां मान ले इसका सेंटर है भाई साहब, अब एक फोर्स इस पे ऐसे लग रही मान लो 10 न्यूटन की, और यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है लेट इट बी 1 मीटर। एक फोर्स मान लो ऐसे लग रही लेट इट बी 20 न्यूटन, और इसका डिस्टेंस है मान लो 2 मीटर्स, ठीक है, ये फोर्स यहां से ऐसे जाना चाहती है इस लाइन से। एक फोर्स यहां से ऐसे लग रही लेट इट बी 30 न्यूटन, और यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से, इस जगह से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दे रखा है लेट इट बी 1 मीटर। हमसे कहा फाइंड नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, तो जितने क्लॉकवाइज हैं जोड़ो, जितने एंटी क्लॉकवाइज हैं जोड़ो। इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, अबाउट मिड पॉइंट, ठीक है, जो ओ बोल देते हैं, ये ओ। ये देखो इस दिल को कैसे यहां से पकड़ लो और यहां से मारो, कटा की ऐसे घुमा रहा है, ये देखो दिल को मारकर ऐसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, मतलब 10 और कितना दूर है 1, और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, देखो एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला देखो 30 वाला इस पॉइंट के अबाउट ऐसे मारेगा और ऐसे घुमाएगा दिल को, यानी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, तो माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसके बारे में क्या कहते हो,
बच्चों इसको आगे बढ़ाओ तो देखो ये ओ से पास कर रहा है। अगर कोई फोर्स पॉइंट ओ से पास कर जाए तो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा जीरो। क्यों भाई? क्योंकि इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। और समझाइए सर, जैसे मानो ये एक रॉड है, बच्चों ध्यान से सुनना, ये मिड पॉइंट है, मैं यहां से फोर्स लगाऊं तो रॉड घूम जाएगा, यहां से फोर्स लगाऊं तो भी रॉड शायद घूम जाएगा। मान लो मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, ये वाली फोर्स, ध्यान से देखो ये वाली,